नमस्कार, मैं प्रज्ञा धद। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। नीतीश कैबिनेट ने हाल ही में खेल विभाग को अलग से करने का फैसला लिया था। इसके साथ ही अलग से मंत्रालय बनाया है। इस फैसले पर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने मंत्री जितेंद्र राय को खेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया है। जितेंद्र राय कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री है। बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक में खेल विभाग को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। भारत और मालदीव के बीच चल रहे तनाव के बीच फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉयज ने सभी फिल्मकारों निर्माताओं से मालदीव में शूटिंग नहीं करने की अपील की है। FWICA ने 10 जनवरी को प्रेस रिलीज जारी कर लिखा कि विश्व स्तर पर सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मालदीव के नेताओं ने जो अपमानजनक टिप्पणी की है उसके विरोध में FWICA ने मालदीव का बायकॉट करने का फैसला लिया है। टीबी रोगियों के बेहतर इलाज के लिए डिफरेंशिएटेड टीबी केयर मॉडल राज्य के 8 जिलों पटना, गया, नालंदा, कटिहार, भोजपुर, भागलपुर, सहरसा और मुंगेर में शुरू किया गया है। राज्य IEC पदाधिकारी यक्षमा बूश्रा अजीब ने बताया कि डिफरेंशिएटेड टीबी केयर के तहत चिन्हित टीबी मरीज जल्द स्वस्थ होंगे। इससे टीबी से होने वाली मृत्यु कम होगी। अन्य रोगों जैसे HIV, कुपोषण, मधुमेह, शराब एवं धूम्रपान के आदि के साथ टीबी से ग्रसित मरीजों में मृत्यु के जोखिम को कम करना इस ट्रीटमेंट का मुख्य लक्ष्य है। अयोध्या में राम मंदिर का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है। जालसाजों ने उनके नाम पर जालसाजी शुरू कर दी है। देश में इस तरह के काफी मामले सामने आ चुके हैं। जालसाज भगवान श्रीराम के VVIP दर्शन कराने का झांसा देकर देश भर में राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान नामक एप्लीकेशन डाउनलोड कराते हैं और उसके बाद बैंक खातों को खाली कर देते हैं। गृह मंत्रालय ने ठगी की इस वारदातों को देखते हुए देश भर में एडवाइजरी जारी की है। लोगों को जागरूक करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। पटना शहर के तारा मंडल के सौंदर्यकरण का काम जोरों से चल रहा है, जिसके चलते आम लोगों के लिए जल्द शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसमें एक साथ 200 लोग एक साथ बैठकर 3D और 2D शो देख सकेंगे। विभाग की ओर से 3D शो के लिए 4 फिल्म को सिलेक्ट किया गया है। इनमें एस्ट्रॉय मिशन, VR स्टार्स, वोयागर मिशन और स्पेस नेक्स्ट फिल्में हैं। नई एस्ट्रोनॉमी गैलरी के लिए डिजाइन तैयार हो चुका है। भारतीय अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हुए हालिया हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्री थानेदार ने कहा कि हम इस तरह के डर हिंदू फोबिया को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने धर्म के बारे में बताते हुए कहा कि यह प्यार एक दूसरे की मदद करने और एक दूसरे के लिए अच्छे काम करने के बारे में है। जो हिंदू मंदिरों पर हमले कर रहे हैं, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ। BPSC TRE 2 पास शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। जी हां, 110,000 टीचर अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण के समय में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसे जानना हर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बेहद जरूरी है। ठंड के मद्देनजर अब 13 जनवरी को राजधानी पटना के गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र दोपहर 12 बजे से बटेगा। पहले अपराह्न 3 बजे से नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम तय किया गया था, जिसमें अब बदलाव कर दिया गया है। भारत ब्रांड के तहत खुदरा बाजार में बेची जा रही चना दाल घरेलू उपभोक्ताओं के बीच सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड बनकर उभरा है। इसने 4 महीनों में ही 1/4 बाजार ने हिस्सेदारी हासिल कर ली है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बुधवार को कहा कि किफायती होने से इस दाल को उपभोक्ता काफी पसंद कर रहे हैं। अक्टूबर में जारी भारत ब्रांड चना दाल की कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि अन्य ब्रांड की दाल 80 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब रात के बदले दिन में उद्योग चलाने पर उद्योगपतियों को सस्ती बिजली मिलेगी, जबकि शाम में उद्योग चलाने पर महंगी बिजली मिलेगी। रात में उद्योग चलाने पर उद्योगपतियों को सामान्य बिजली दर का भुगतान करना होगा। बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सौंपी गई याचिका में टाइम ऑफ डे टैरिफ में बदलाव का यह प्रस्ताव दिया है। आयोग की मंजूरी मिलने पर आगामी 1 अप्रैल से राज्य में नया TOD टैरिफ लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार भंडारण में रखे प्याजों की बर्बादी को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की मदद लेगी। इसके लिए AI आधारित गोदाम स्थापित कराए जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक हर साल लगभग 11,000 करोड़ रुपए का प्याज बर्बाद हो जाता है। एक अधिकारी के अनुसार AI आधारित गोदामों के साथ सरकार का लक्ष्य कुल बर्बादी का लगभग 5% बचाना है। सरकार की योजना गोदामों में रखे प्याज पर वास्तविक समय डाटा के लिए AI आधारित सेंसर स्थापित करने की है। सोशल मीडिया कंपनियों के समूह मीटा ने बताया कि इसके 2 अहम सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम और फेसबुक के फीड में खुद को नुकसान पहुंचाने और खाने के विकारों से जुड़े पोस्ट किशोरों से छिपाए जाएंगे। इनमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आरोप है कि वह इन मंचों से युवाओं को नुकसान पहुंच रही है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य संकट खड़ा हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि मीटा ने यह चाल चली है, लेकिन इसका खास फायदा नहीं होगा। क्यूबा में सरकार ने मुद्रा स्फीति के खतरनाक स्तर तक बढ़ने के चलते ईंधन पर 500% तक दाम बढ़ा दिए हैं। इसे देखते हुए देश के गैस स्टेशनों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। क्यूबावासी पहले ही मुद्रा स्फीति के बोझ से दबे हैं। ऐसे में ईंधन की कीमतों में हुई वृद्धि को लेकर वे परेशान हैं। ईंधन केंद्रों पर तेल भराने के लिए लंबी लाइनों में झगड़े भी बढ़ गए हैं। नकदी की कमी से जूझ रहे कम्युनिस्ट द्वीप के प्रशासन ने अपने बजट घाटे को कम करने के मकसद से उठाए कदमों की एक श्रृंखला के तहत 1 फरवरी से ईंधन के दामों में 5 गुना वृद्धि की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा प्रणालियों में बीमारियों को परिभाषित करने वाले शब्दावली को विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के 11वें संशोधन में शामिल किया गया है। इससे बीमारियों को परिभाषित करने के लिए एक कोड के रूप में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध दवाओं में वैश्विक एकरूपता आएगी। मंत्रालय ने कहा कि बुधवार को WHO द्वारा ICD-11 पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल 2 के लॉन्च के साथ इसके लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है।
चीन हमें अपना प्रतिद्वंदी मानता होगा, हम नहीं मानते, लोग मानते हैं। शायद 2020 में भारत और चीन के बीच जो फेस ऑफ हुआ उसमें हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया, जो बहादुरी दिखाई है, शायद उसके कारण चीन की धारणा बदल गई है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। ऐसा नहीं है कि भारत को आंख दिखाकर जो चाहे निकल जाए। लंदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में दो टुकिया बात कही। दिल्ली NCR समेत पूरे भारत में सर्दी का सितम जारी है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने राजधानी को और सर्द कर दिया है। दिल्ली में हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। बुधवार को धूप खिलने के बाद भी कंपकंपी बनी रही। दिल्ली NCR के अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में से बर्फीली हवाएं चलने की वजह से कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। देश भर में सबसे ज्यादा सर्दी जम्मू कश्मीर में पड़ रही है। यही तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे चला गया है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल बनकर तैयार हो चुका है। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाले देश के सबसे बड़े समुद्री पुल का उद्घाटन 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाला है। 22 किलोमीटर लंबे पुल से दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई की दूरी तय करने में अब महज 20 मिनट समय लगेगा। हालांकि भारत के इस लंबे समुद्री पुल पर सभी गाड़ियां नहीं चल पाएंगी क्योंकि कुछ गाड़ियों को इस पर चलने की अनुमति नहीं है। शाहरुख खान के देश की नहीं दुनिया में भी भरपूर चाहने वाले हैं। पिछले साल उन्होंने अपने फैंस के लिए एक के बाद एक 3 फिल्में रिलीज की थी। पठान, जवान और डंकी तीनों ही सुपरहिट रही है और फैंस ने उन पर खूब प्यार लुटाया है। इस साल शाहरुख खान फिर से हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। उनकी 2 फिल्मों की तो हिट मिल गई है। इसी बीच शाहरुख खान को CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से नवाजा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग एग्रीकल्चर से पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका लेकर आया है। यहां 1000 से ज्यादा ऑफिसर पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। अगर आप भी इन भर्तियों के लिए अप्लाई करने की योग्यता और इच्छा रखते हैं तो एप्लीकेशन लिंक एक्टिव होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे 15 जनवरी 2024 के दिन। अडानी ग्रुप की अलग अलग सेक्टर की 10 कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। हालांकि पावर से लेकर कोर्ट समूह के पास कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अडानी समूह इन कंपनियों में से एयरपोर्ट के कारोबार में शामिल फर्म को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने पर विचार कर रहा है। अडानी ग्रुप के एयरपोर्ट बिजनेस के प्रमुख जीत अडानी ने कहा कि अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की एयरपोर्ट बिजनेस ब्रांच अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड फ्यूचर में स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्ट होगी। अमेरिकी रेगुलेटर ने ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मंजूरी दे दी है जो सीधा बिटकॉइन में निवेश करते हैं। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने बिटकॉइन में निवेश करने वाले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मंजूरी देने से पहले लंबा इंतजार कराया। अमेरिकी रेगुलेटर SEC ने लगभग एक दशक तक बिटकॉइन ETF को मंजूरी देने से इनकार किया है। उनका मानना है था कि क्रिप्टो करेंसी के बाजार में ETF जैसे निवेश माध्यम को लाने से इसमें भी आसानी से हेरफेर किया जा सकता है और सामान्य निवेशकों के लिए ये जोखिम वाला इंस्ट्रूमेंट साबित हो सकता है। प्लेसमेंट सीजन के दौरान छात्रों पर बनने वाले दबाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपना प्लेसमेंट रिपोर्ट में सबसे अधिक पैकेज की राशि का खुलासा नहीं करने पर विचार कर रहे हैं। IIT का ध्यान अब औसत वेतन आंकड़ों पर केंद्रित रहेगा। ऑल IIT प्लेसमेंट कमेटी की हालिया बैठक के दौरान इस विषय पर सर्वसम्मति से फैसला किया गया। आपको बता दें कि IIT बॉम्बे में 1 करोड़ रुपए के वार्षिक पैकेज को पार करने वाले 85 से अधिक प्रस्तावों का दावा किया गया था। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को उनके शानदार उपलब्धियों के चलते हाल ही में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। इस सम्मान को उन्होंने अपने परिवार के साथ शेयर किया और सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक संदेश लिखा। मोहम्मद शमी ने इंस्टाग्राम पर एक भावनात्मक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने अपनी पूरी क्रिकेट यात्रा में मदद करने के लिए अपने परिवार, दोस्त और फैंस को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, इस अवार्ड के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं वास्तव में आभारी हूँ। मानव तस्करी भारत में भी एक बड़ा समस्या है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में अनुसार देश में हर दिन औसतन 6 मामले दर्ज हो रहे हैं। सबसे ज्यादा तस्करी जबरन मजदूरी और यौन शोषण वेश्यावृत्ति के लिए की जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक 3 सालों में इस कुकृत्य में 24% का इजाफा हुआ है। 2020 में जहां 1714 मामले दर्ज हुए थे तो वहीं 2022 में यह बढ़कर 2250 हो गए। चिंता वाली बात यह है कि 16% मामलों में पुलिस आरोप पत्र ही दाखिल नहीं कर पाती। मालदीव में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और पीपुल्स नेशनल कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन ने 2023 के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया और इस विषय पर दुष्प्रचार का प्रयास किया। मालदीव के लिए यूरोपियन इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन ने पिछले साल 9 और 30 सितंबर को हुए 2 दौर के चुनाव पर मंगलवार को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें कहा गया कि PPM-PNC गठबंधन की तरफ से चलाया गया अभियान राष्ट्र पर भारत के प्रभाव की आशंकाओं पर आधारित था। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने बुधवार को कहा कि टाटा समूह गुजरात के धोलेरो में एक सेमीकंडक्टर कारखाने का निर्माण करेगा। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के यहां आयोजित 10वें संस्करण में चंद्रशेखरन ने कहा कि समूह 2 महीने में सानंद में लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए 20 गीगावाट की गीगा फैक्ट्री शुरू करने वाला है। उन्होंने कहा कि टाटा समूह ने एक संकल्प किया जो पूरा होने वाला है। चंद्रशेखरन ने कहा, सेमीकंडक्टर फैब के लिए बातचीत पूरी होने वाली है और 2024 में से शुरू करेंगे। खाने पीने की चीजों के ऊंची कीमतों के चलते लगातार दूसरे महीने खुदरा महंगाई में उछाल आने की आशंका जताई गई है। मिंट के सर्वे में 19 अर्थशास्त्रियों के अनुमान जताए हैं कि दिसंबर में खुदरा महंगाई औसतन 5.9% रह सकती है। नवंबर के दौरान यह 3 माह के उच्च स्तर 5.55% पर पहुंच गई है। अक्टूबर में यह 4.87% और सितंबर में 5.02% पर थी। खुदरा महंगाई के आंकड़े 12 जनवरी को जारी किए जाएंगे।
भारत में 1 जुलाई 2022 तक 14.9 करोड़ आबादी बुजुर्ग थी। यहां 2050 में बुजुर्ग आबादी बढ़कर 34.7 करोड़ हो जाएगी, यानी 2050 में हर 5 में एक शख्स बुजुर्ग होगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज एंड यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड द्वारा प्रकाशित इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में यह जानकारियां दी गई है। जीवन प्रत्याशा में सुधार और प्रजनन दर में गिरावट के कारण दुनिया भर में आबादी की रूपरेखा बदल रही है। 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाली आबादी को वृद्ध माना जाता है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर की तिथि पुनर्निर्धारित की गई है। अब यह परीक्षा 7 जुलाई को होगी। इस वर्ष परीक्षा के लिए पात्रता के लिए कट ऑफ तिथि 15 अगस्त है। यह परीक्षा पहले 3 मार्च को आयोजित होने वाली थी। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि NBEMS नोटिस 9 नवंबर 2023 के अनुरूप और 3 जनवरी 2024 को NMC पत्र की प्राप्ति के अनुसार NEET PG 2024 परीक्षा जिससे पहले 3 मार्च 2024 को अस्थायी रूप से आयोजित करने के लिए अधिसूचित किया गया था को पुनर्निर्धारित कर दिया गया है। दुनिया में सबसे अधिक प्रभावशाली पासपोर्ट जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन के पास है। ये 6 देश सबसे अधिक प्रभावशाली पासपोर्ट के मामले में पहले स्थान पर है। वहीं पाकिस्तान की स्थिति बेहद खराब है। दुनिया के सबसे प्रभावशाली पासपोर्ट के लिस्ट में भारत को 80वां स्थान मिला है। भारत के साथ ही उज्बेकिस्तान भी 80 नंबर पर है, जिसके लिए 62 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल मौजूद है। भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अब्दुल नासिर अलसाली ने बृहस्पतिवार को कहा कि अबू धाबी में अगले महीने बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू मंदिर का उद्घाटन सही सुनता और स्वीकृति का जश्न मनाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होगा। राजदूत अलसाली ने PTI भाषा से कहा, हम 14 फरवरी को होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह एक अभूतपूर्व यादगार दिन होने के साथ साथ सहिष्णुता स्वीकृति का जश्न मनाने और इस रिश्ते को अधिक मजबूत करने का एक विशेष अवसर होगा। हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, नुनु गोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, नौशद राजा, वीर रविशंकर, छोटेलाल सहनी, प्रभाकर रॉय, अकबर अंसारी, प्रकाश सिंह, बाबूलाल मरांडी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में खेल विभाग बनना कितना फायदेमंद होगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।